नमस्कार दोस्तों, रोडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में रोजगार कोचिंग सेंटर की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का चैप्टर है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। त्रिपुरा ने शुरू की ई कैबिनेट प्रणाली। त्रिपुरा सरकार ने राज्य में डिजिटल व्यवस्था विकसित करने के लिए राज्य सचिवालय में ई कैबिनेट सिस्टम शुरू किया है। त्रिपुरा ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने वाला उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद फोर्थ राज्य और पूर्वोत्तर का सेकेंड राज्य बन गया है। ई कैबिनेट सिस्टम लागू करने से राज्य में कार्बन फुटप्रिंट और एनवायरनमेंट डिग्रेशन को कम किया जा सकेगा। त्रिपुरा ने शुरू की ई कैबिनेट सिस्टम। ई कैबिनेट सिस्टम याद रखना, त्रिपुरा ने शुरू किया है। दूसरा, देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय कौन सा है? जॉर्ज एवरेस्ट है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर मसूरी, उत्तराखंड में जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यह देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय है और इसका निर्माण जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में किया गया है, जो कि सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट का पूर्व घर है। सर जॉर्ज एवरेस्ट का पूर्व घर है ये। नवनिर्मित जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय कार्टोग्राफी सर्वेक्षण और पर्वतारोहण के समृद्ध इतिहास को संरक्षित करने के लिए समर्पित है। इस संग्रहालय का निर्माण एशियाई विकास बैंक एडीबी की मदद से किया गया है। किसकी मदद से किया गया? एडीबी की मदद से किया गया। ऑस्कर 2024 में मलयालम फिल्म को मिली एंट्री। ऑस्कर 2024 में मलयालम फिल्म को मिली एंट्री। हाल ही में मलयालम फिल्म 2018 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ देसी भाषा फिल्म श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2024 के लिए अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री मिली है। यह फिल्म 2018 में भारी बारिश के कारण केरल को प्रभावित करने वाली भीषण बाढ़ का वर्णन करती है। यह फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है। मलयालम फिल्म अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इंडस ऐप स्टोर, डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म वॉलमार्ट समृद्ध फिनटेक कंपनी फोनपे ने गूगल के प्ले स्टोर एकाधिकार को चुनौती देने के लिए इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म नामक ऐप स्टोर लॉन्च किया है। प्ले स्टोर का एक गूगल का प्ले स्टोर है और फोनपे ने किस कौन सा स्टोर लॉन्च किया है? इंडस ऐप स्टोर। क्या नाम है? इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म। इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि गूगल का एकदम कंपटीटर है इन इंडिया में। यह ऐप स्टोर 12 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा और डेवलपर्स को गूगल के प्लेटफॉर्म शुल्क और कमीशन शुल्क का विकल्प देगा। इंडस ऐप स्टोर पर ऐप लिस्टिंग पहले वर्ष के लिए मुफ्त होगी, मुफ्त फ्री में होगी। उसके बाद नाम मात्र वार्षिक शुल्क देना होगा, नाम मात्र देना होगा। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA की समय सीमा बढ़ी। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में समय सीमा बढ़ी है, इसका फुल फॉर्म याद करके रखना है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में AFSPA सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। AFSPA का फुल फॉर्म आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ऐसे बहुत सिमिलर ऑप्शन वहाँ मिलेंगे। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को लेकर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें अधिसूचना जारी कर सकती हैं। दोनों सरकारें, सेंट्रल और राज्य दोनों सरकारें आपसा AFSPA को लेकर सूचना जारी कर सकती हैं, अधिसूचना। गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार केवल नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA का विस्तार करने के लिए समय समय पर असम क्षेत्र अधिसूचना जारी करता है। मणिपुर और असम में AFSPA का विस्तार करने वाली अधिसूचना राज्य सरकारों द्वारा जारी की जाती है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भारत की पहली है ग्रीन हाइड्रोजन बस। क्वेश्चन आ सकता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया गेट नई दिल्ली से देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल बस को हरी झंडी दिखाई। इस बस का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL द्वारा किया गया है और यह बस केवल पानी का उत्सर्जन करती है, केवल पानी का उत्सर्जन करती है। कहाँ से दिखाई है? सबसे पहले नई दिल्ली से दिखाई है।
इस बस का निर्माण किसने किया है? IOCL ने। और क्या उत्सर्जन करती? केवल पानी का उत्सर्जन करती है। भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त रूप से ग्लोबल साउथ के देशों में विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत के विकास के अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं और विशेषज्ञता को साझा करना है। यह पहल भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित विकास लक्ष्यों को पूरा करेगी। भारत के 75% गांव 75% गांव है ODF+। ODF+ क्या है अभी देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण सेकंड के तहत देश के कुल गांवों में से 3/4 यानी 75% गांवों ने ODF+ ओपन डिफिकेशन फ्री का दर्जा हासिल कर लिया है। 2024-25 तक स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दरअसल ODF+ गाँव वह गाँव होता है जिसने न केवल खुले में शौच से मुक्त ODF का दर्जा बरकरार रखा है बल्कि उसने ठोस या तरल अपशिष्ट प्रबंधन सिस्टम्स को भी सफलतापूर्वक लागू किया है। I2U2 समूह के सदस्य करेंगे संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के संयुक्त समूह I2U2 ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य नीति निर्माता संस्थानों और उद्यमियों के लिए अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। गौरतलब की I2U2 समूह की स्थापना अक्टूबर 2021 में हुई थी। I2 का अर्थ इंडिया और इजराइल। I2 का क्या अर्थ है? इंडिया और इजराइल, ये पूछा जा सकता है। U2 का अर्थ है यूनाइटेड अरब अमीरात और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है। महिला आरक्षण विधेयक 2023 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। हाल ही में वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों महिला आरक्षण विधेयक 2023 नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित कर दिया है। यह महिला आरक्षण संबंधी विधेयक 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक। कितना? 128वां, ये पूछा जा सकता। राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद यह ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। संविधान संशोधन कितना है? 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया है। पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCCC द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। ग्लोबल स्टॉक टेक का प्राथमिक उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अलग अलग देशों के प्रयासों का आकलन करना है। यह रिपोर्ट कुल 17 प्रमुख निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। ग्लोबल स्टॉक टेक 2015 में पेरिस समझौते के तहत स्थापित एक आवधिक समीक्षा तंत्र है। एयर इंडिया का प्रोजेक्ट अभिनंदन यह भारत की प्रमुख एयरलाइंस एयर इंडिया की एक नई पहल है। एयर इंडिया का यह प्रोजेक्ट यात्रियों की संतुष्टि को बढ़ाने और यात्रा अनुभव को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रसिद्ध है। ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ। 13 सितंबर 2023 को हैदराबाद रियासत के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। सरदार पटेल की निगरानी में चलाया गया यह महत्वपूर्ण अभियान 17 सितंबर 1948 को समाप्त हुआ। तूफान डेनियल के प्रभाव। यह तूफान लीबिया नामक देश में आया। तूफान के कारण बांध टूट जाने से लीबिया के पूर्वी शहर डरना का 1/4 भाग नष्ट हो गया। इस तूफान का नाम हेलेनिक राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा ग्रीस द्वारा रखा गया था। अमेरिका के फिलाउआ ज्वालामुखी में हुआ विस्फोट। अमेरिकी भूवैज्ञानिक यूनाइटेड स्टेट्स जूलॉजिकल सर्वे ने बताया कि हवाई के बिग आइलैंड पर दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक किलाउआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी जनवरी और जून के बाद इस साल में तीसरी बार फटा है। पिरोला नया कोविड वेरिएंट। इस वेरिएंट को BA.2.86 भी कहा जाता है। ऐसे संक्रमित होने पर व्यक्ति को पेट तथा त्वचा से जुड़ी समस्याएं, जुकाम, बुखार जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। पिरोला नया कोविड वेरिएंट है।
बना विश्व का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल, पोर्टेबल आपदा अस्पताल अरोग मैत्री क्यूब। पोर्टेबल आपदा अस्पताल का नाम क्या है? अरोग मैत्री क्यूब विश्व का पहला है। तो आ सकता है क्वेश्चन भारत में बना है वो भी, भारत ने दुनिया का पहला पोर्टेबल आपदा अस्पताल का नाम क्या है? आरोग मैत्री क्यूब बनाया है, आरोग मैत्री क्यूब बनाया है जिसे 72 क्यूब्स में पैक करके एयरलिफ्ट किया जा सकता है। यह पूर्णतः स्वदेशी अस्पताल मात्र 8 मिनट में देश में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। सभी उपकरण रिचार्जेबल, इसमें 200 लोगों को 48 घंटे तत्काल इलाज मुहैया कराने की क्षमता है। ताइवान हमेशा न्यूज़ में रहता है। ताइवान में समुद्री तूफान हाई कुई ने मचाई तबाही। तो समुद्री तूफान का नाम क्या? हाई कुई। यह समुद्री तूफान ताइवान में आया, पूरे ताइवान और बटानेस द्वीप में इस तूफान के कारण भारी वर्षा तेज। अफ्रीकी देश गैबॉन में सेना का तख्ता पलट, अफ्रीकी देश गैबॉन में सेना का तख्ता पलट। राष्ट्रपति अली बोंगो ओडिम्बा को नज़रबंद कर जनरल ओलिगुई गैबॉन देश के कारवाक राष्ट्रपति बने। गैबॉन देश की राजधानी लिबरविले हैं। यह ओपेक तेल कार्टेल का सदस्य है। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए बनाई समिति, याद कर लेना। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा है। इसके अध्यक्ष कौन है जो समिति बनाई? उसके अध्यक्ष कौन? रामनाथ कोविंद जी हैं। और एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। वर्ष 1967 तक लोकसभा और राज्य विधानसभा एक साथ हुआ करते, 1967 तक एक साथ हुआ करते थे। गुजरात घोषणा पत्र क्या है? WHO ने प्रथम WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का प्रणाम दस्तावेज जारी किया। दस्तावेज को गुजरात घोषणा पत्र का नाम दिया गया। घोषणा पत्र सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का लक्ष्य पाने के लिए पारंपरिक चिकित्सा क्षमता के उपयोग की पुष्टि करता है। ओबीसी पर रोहिणी रिपोर्ट जारी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रोहिणी रिपोर्ट याद करके चलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हाल ही में न्यायमूर्ति रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने पिछड़ा आयोग ओबीसी जाति समूह के उप वर्गीकरण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 2 अक्टूबर 2017 को संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत किया गया था। इस आयोग का गठन ओबीसी आरक्षण का लाभ कुछ चुनिंदा वर्गों द्वारा उठाने और इस आरक्षण जुड़ी विसंगतियों में सुधार के लिए किया गया था। क्या है ओबीसी का उप वर्गीकरण? ओबीसी जातियों या समुदायों के बड़े समूह के भीतर उप श्रेणियां बनाने से संबंधित हैं, ताकि ओबीसी सूची में विद्यमान विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण के लाभ का समान वितरण सुनिश्चित हो सके। ओबीसी समुदायों को केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण मिलता है, लेकिन ऐसी धारणा कि ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल 2600 से अधिक समूहों में से केवल कुछ ही संपन्न समुदाय इस 27% का लाभ प्राप्त कर पाए हैं। डिवाइन लाइट हाउस, डिवाइन लाइट हाउस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के निकट दसबतिया में स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी। जल दोस्त एयरबोट राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला NAL ने हाल ही में एक जल दोस्त एयरबोट का आवरण किया है। इस एयरबोट को जल निकायों से तैरते कचरे को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा यह एयरबोट जल निकायों से अतिरिक्त जली खरपतवार को भी हटाएगा। NAL ने इस एयरबोट के 2 संस्करण विकसित किए हैं, एक जल दोस्त Mark 1 है और एक उन्नत संस्करण जल दोस्त Mark 2 है। याद कर लेना, NAL का फुल फॉर्म नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज को वर्ष 1959 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा स्थापित किया गया था। भारत नेट प्रोजेक्ट का अगला चरण। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट परियोजना के अगले चरण के लिए 1.39 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। यह भारत नेट परियोजना का 3रा चरण है। इससे पहले वर्ष 2017 में कैबिनेट ने योजना के पहले 2 चरणों के लिए 42,068 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। दिल्ली सर्विस बिल, दिल्ली सर्विस बिल
दिल्ली सर्विस बिल को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 कहा जाता है। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद केंद्र सरकार को दिल्ली में अधिकारियों के तबादले, नियुक्ति व निगरानी समेत कई शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों से पूछताछ और निलंबन जैसी कार्रवाई केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी। वर्ष 1991 में संविधान संशोधन कर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम माया। ऑपरेटिंग सिस्टम माया क्या है? रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में से एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम माया का प्रयोग करने का फैसला लिया है। दरअसल देश भर में रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर बढ़ते साइबर और मैलवेयर हमलों के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया है। यह नया ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को रिप्लेस करेगा। यह ओपन सोर्स यूबंटू प्लेटफॉर्म पर आधारित है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र CDEC और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIC सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की सहायता से विकसित किया जा रहा है। एयरलाइंस 2 प्रोजेक्ट अमेजन रेन फॉरेस्ट। हाल ही में 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए एक गठबंधन बनाने पर सहमत जताई है। इस गठबंधन के निर्माण की घोषणा अमेजन सहयोग संधि संगठन के ब्राज़ील में हुए 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान हुई। प्राचीन डायनासोर की नई प्रजाति की खोज। वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक प्राचीन डायनासोर की नई प्रजाति की खोज की है। खोज की गई डायनासोर प्रजाति को थारोसोरस इंडिकस नाम दिया गया है। इस प्रजाति के जीवाश्म भारत के थार रेगिस्तान और जैसलमेर में खोजे गए। कहाँ? थार रेगिस्तान के जैसलमेर में खोजे गए, इसलिए आ सकता है। खोज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के वैज्ञानिकों की एक टीम ने किया। ये लंबी गर्दन वाले डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर हैं। वाइल्ड इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा मिल गया है। तो ये नवरत्न से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये अभी करंट का क्वेश्चन है, तो करंट में ही पूछ लिया जाएगा। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने तेल क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वायल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया है। वायल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत देश की दूसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी है। आगे देखिए, महारत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनी का औसत कारोबार कितना होना चाहिए? 25,000 करोड़। महारत्न से बनना है तो उसका कारोबार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। औसत वार्षिक शुद्ध संपत्ति 15,000 करोड़ रुपए से अधिक, और पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ होना चाहिए। कारोबार 25,000 करोड़ होना चाहिए, लाभ कितना होना चाहिए? 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, ठीक है। वायल इंडिया लिमिटेड भारत की 13वीं महारत्न कंपनी बनी है। टोटल महारत्न कंपनी कितनी हो गई? 13 हो गई हैं। एक ये क्वेश्चन हो गया। एम पावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी। WHO ने तंबाकू नियंत्रण उपायों पर एम पावर नीति के तहत एक व्यापक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट एम पावर उपायों की शुरुआत के बाद से विश्व स्तर पर हुई प्रगति का मूल्यांकन करती है, जिसके प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं। दुनिया भर में धूम्रपान का प्रचलन 2007 में 22.8% से घटकर 2021 में 17% हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 44 देश अभी भी एम पावर उपाय लागू नहीं करते हैं। में कितनी एम पावर लागू करने वाले? 44 थी, लेकिन अब 2022 में 151 हो गई है। एम पावर है क्या, ये देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? प्रभावी तंबाकू नियंत्रण को सुनिश्चित करना और 6 एम पावर रणनीतियों में शामिल का तंबाकू के उपयोग और रोकथाम नीतियों की निगरानी करें। पी का मतलब लोगों को तंबाकू के धुएं से बचाएं, तंबाकू के धुएं से बचाना। ओ, धूम्रपान छोड़ने के लिए सहायता करें। W, तंबाकू के खतरे के बारे में
चेतावनी दें। ई तंबाकू के विज्ञापन प्रचार और प्रयोजन का प्रबंधन लागू करें। आर तंबाकू पर कर बढ़ाएं। सिगरेट पर WHO कितना टैक्स रिकमेंडेड करता है? 75% सिगरेट पर करता है, रिकमेंड करता है, लेकिन भारत ने सिगरेट पर अभी 22% का टैक्स लगा रखा है। सिगरेट पर 52% टैक्स लगा रखा है। गृह मंत्रालय ने शुरू किया आयुष वीज़ा। गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक नई वीज़ा श्रेणी आयुष वीज़ा की शुरुआत की है। आयुष वीज़ा को आयुष सिस्टम्स या भारतीय चिकित्सा सिस्टम्स के तहत चिकित्सीय देखभाल, कल्याण और रोग जैसी विभिन्न पद्धतियों का लाभ विदेशी नागरिकों को देने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा मिलेगा। अरास डोर्रा गैस क्षेत्र विवाद क्या है? हाल ही में सऊदी अरब और कुवैत ने विवादित अरास डोर्रा गैस क्षेत्र पर ईरान के दावे को खारिज कर इस क्षेत्र पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया है। दरअसल अरास डोर्रा गैस क्षेत्र अरब की खाड़ी के समीप स्थित एक संसाधन संपन्न अपतटीय प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर सऊदी अरब, कुवैत और ईरान तीनों अपने एकाधिकार का दावा करते हैं, जो कि तीनों देशों के बीच लंबे समय से विवाद का केंद्र बिंदु बना हुआ है। चीन का सिल्क रोड स्टार प्लेटफॉर्म लॉन्च। हाल ही में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे BRI, जिसे वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के रूप में भी जाना जाता है, कि 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सिल्क रोड स्टार प्लेटफॉर्म पेश किया है। इस प्लेटफॉर्म या मंच के तहत 5 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना SLUDI। भारत ने श्रीलंका को उसकी विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना के लिए 45 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी। कितनी? 45 करोड़ की भारत ने दिया है मदद, याद रख लेना। इराक ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में इराक को ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया है। इराक को ट्रोकोमा मुक्त देश शुरू किया गया है। WHO इराक को सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में ट्रोकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में मान्यता प्रदान की है। बस 2012 में इराक ने इस बीमारी को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय ट्रोकोमा कार्यक्रम शुरू किया था। ट्रोकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। यह जीवाणुजनक रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रोकोमैटिक्स नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ ने संयुक्त रूप में 1-7 अगस्त को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया। इस वर्ष इस सप्ताह की थीम लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क है। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन की स्थापना 1991 में एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में हुई थी और वर्ष 1992 में पहली बार विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया था। मोटू फगुआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ परियोजना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत ने तुबालू की मोटू फगुआ कंक्रीट वाटर सिस्टर्न स्वच्छ जल परियोजना के लिए 7 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। भारत का स्थायी मिशन है। फार्मास्यूटिकल कंपनियों को GMP मानक लागू करने के निर्देश। हाल ही में भारत सरकार ने सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को अपनी प्रक्रियाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप लाते हुए गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP क्या है? GMP फुल फॉर्म गुड मतलब सामान, मैन्युफैक्चरिंग मतलब बनाना, प्रैक्टिस मानक लागू करने का निर्देश दिया है। उष्णकटिबंधीय तूफान खानून हाल ही में एक भीषण उष्णकटिबंधीय तूफान खानून ने पूर्वी चीन सागर में जापान और दक्षिण कोरिया के तटों पर भीषण तबाही मचाई है। खानून तूफान नाम एक थाईलैंड द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ है कटहल। खानून मतलब कटहल। ये किस
केरल राज्य का नाम बदलने वाला प्रस्ताव पारित हो गया। केरल का नाम बदलकर क्या किया जाएगा, लेकिन प्रस्ताव पारित हो गया। केरल के मुख्यमंत्री नेतृत्व में केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में केरल का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। केरल विधानसभा ने सर्वसम्मत से इस प्रस्ताव को पारित कर केंद्र से संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया है। मलयालम भाषा में केरल को केरलम लिखा जाता है। केरल तो केरल केरल हिंदी में केरल ही रहेगा, लेकिन मलयालम में केरलम लिखा जाता है। बस फर्क इतना है और कुछ नहीं। इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई सीबीआई अकादमी। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो अकादमी एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई है। सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल होने वाली 10वीं संस्था है। गाजियाबाद यूपी में सीबीआई अकादमी अपराध जांच अभियोजन और सतर्कता सिस्टम्स के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। हाल ही के वर्षों में अकादमी दक्षिण एशिया की एक प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्था के रूप में उभरी है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में है। किसकी? इंटरपोल। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के लियोन में है मुख्यालय इंटरपोल का। कई बार पूछा जा चुका है, याद रख लेना। जम्मू कश्मीर में स्थित डाकघर बना देश का पहला डाकघर। डाकघर बना पहला डाकघर कैसे बना? हाल ही में जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित एक डाकघर को देश के पहले डाकघर का खिताब मिला है। केरन जम्मू कश्मीर का यह डाकघर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलओसी के समीप किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर? किशन गंगा नदी के तट पर स्थित है। इससे पहले तक इस डाकघर को देश के आखिरी डाकघर के रूप में जाना जाता था। में भारत और चीन सीमा पर स्थित चमोली के गांव माड़ा, जिसे पूर्व में भारत के आखिरी गांव के नाम से जाना जाता था, वह भारत के पहले गांव के नाम से जाना संबोधित किया जाएगा। भारत का पहला गांव कौन सा है? कमेंट में बताइए। चमोली के गांव माड़ा, माड़ा जिसे आखिरी गांव के नाम से जाना जा उज्जैन मध्य प्रदेश में बनेगा देश का पहला यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल कहाँ बनेगा? एमपी में बनेगा। हाल ही में देश का पहला यूनिटी मॉल मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनने की घोषणा। इसके निर्माण के भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा 284 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें होगा क्या? यूनिटी मॉल एक जिला एक उत्पाद भौगोलिक संकेतक प्राप्त उत्पादों हस्तशिल्प उत्पादों तथा अन्य स्थानीय उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए वन स्टॉप मार्केट प्लेस के वन स्टॉप मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। हाथी जनगणना में कर्नाटक को मिला पहला स्थान। हाल ही में हुई हाथी जनगणना के अनुसार कर्नाटक राज्य में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी दर्ज की गई है। कहाँ पे? कर्नाटक में। 2017 में हुई पिछली जनगणना के अनुसार कर्नाटक में हाथी 6,049 थे। कितनी थी? हाथी थी 2023 में बढ़कर 6,395 हो गई। यह जनगणना कर्नाटक वन विभाग द्वारा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों में 17 मई से 19 मई 2023 के बीच में हुई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मिला 5 साल का विस्तार। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 5 साल का विस्तार मिल गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 5 साल के विस्तार को मंजूरी दे दी है। इसके तहत 2021-22 से 25-26 तक 14,903 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित है। तमिलनाडु में खुलेगा भारत का पहला सामान ड्रोन परीक्षण केंद्र। भारत का पहला सामान ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा? तमिलनाडु में खुलेगा। ये भी याद करके चलेंगे, जो 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 पहला है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने ड्रोन के लिए देश का पहला सामान परीक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। केंद्र तमिलनाडु के श्री पेर बुदूर में तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम SIP कोट औद्योगिक पार्क में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में एसी एकीकृत इंटीग्रेटेड सुविधा केवल DRDO के पास चित्रदुर्ग कर्नाटक में उपलब्ध है। ड्रोन को मानव रहित विमान अनमैंड एरियल व्हीकल UAV भी कहा जाता है। बेंगलुरु कर्नाटक में खुला भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर। 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला? बेंगलुरु कर्नाटक में खुला। हाल ही में केंद्रीय रेल संचार इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु कर्नाटक में किया है।
डाकघर का निर्माण पूर्वी बेंगलुरु कैम्ब्रिज लेआउट में किया गया है। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक की मदद से लॉर्सन एंड टर्बो कंस्ट्रक्शन द्वारा IIT मद्रास के सहयोग से किया गया है। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को 15 लाख फूलों के साथ एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में शामिल किया गया। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील और जबरबान पहाड़ियों के बीच स्थित है। हिलेरी तूफान श्रेणी 4 का एक प्रमुख तूफान है जो पूर्वी प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आया। इस तूफान का गठन आंशिक रूप से अल नीलो नामक प्राकृतिक जलवायु पैटर्न के कारण हुआ। तमिलनाडु में बनेगा दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बिल बड़ीकरण संयंत्र। तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले के पेरूर में एक अत्याधुनिक बिल बड़ीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। बिल बड़ीकरण संयंत्र जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी GICA की मदद से बनाया जा रहा है। इस बिल बड़ीकरण संयंत्र की क्षमता 400 मिलियन लीटर। 5वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा सिस्टम आकलन जारी। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन का 5वां संस्करण जारी किया। यह आकलन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ई गवर्नेंस की सर्वोत्तम प्रथाओं और ई सेवाओं की वितरण विस्तृत विवरण प्रदान करता है। ब्रिक्स में छः नए देश शामिल। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुए 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में 6 नए देशों को सदस्य बनाने पर सहमत मिली। ये नए सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इनकी सदस्यता जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के एकातेरिनबर्ग में हुआ था। अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। इनकी सदस्यता जो है जनवरी 2024 से इफेक्टिव होगी। ये 5 देश हैं, ईरान भी जुड़ रहा है। केरल में शुरू हुआ भारत का पहला AI स्कूल। पहला क्वेश्चन है इसलिए 100% ये क्वेश्चन आएगा। भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉन्च हुआ। यह स्कूल को ई लर्निंग इंजीनियरिंग ILE अमेरिका और वैदिक ई स्कूल के सहयोग से शुरू किया गया है। वर्तमान यह स्कूल को 8 से 12वीं तक के बच्चों को के लिए रूसी मिनीन विश्वविद्यालय भारत में करेगा अपना अध्ययन केंद्र स्थापित। रूसी मिनीन विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ में स्थित चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। यह अध्ययन केंद्र 6 महीने की अवधि में 250 छात्रों को मुफ्त में रूसी भाषा और संस्कृति सिखाएगा। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। लघु सिंचाई योजनाओं पर 6ठी जनगणना रिपोर्ट। जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं पर 6ठी जनगणना रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 23.14 मिलियन लघु सिंचाई योजनाएं हैं। इनमें से 2.93 मिलियन भूजल और 1.21 मिलियन सतही जल योजनाएं हैं। कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव। श्रीलंका ने अगस्त 2023 में पहले कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की। किसने की? कर्नाटक। श्रीलंका ने कर्नाटक सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी की है। महोत्सव का आयोजन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और ME ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। प्रोजेक्ट अंबर क्या है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने युवाओं को क्लाउड कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अंबर क्या अंबर का फुल फॉर्म एक्सेलरेटेड मिशन फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड रिटेंशन शुरू किया है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस, याद कर लेना। एशियाई डेवलपमेंट बैंक का टोयोटा ने दुनिया की पहली 100% इथेनॉल संचालित कार कितना टोयोटा ने शुरू किया।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2023 में टोयोटा की इनोवा कार का 100% एथेनॉल ईंधन संस्करण लॉन्च किया। यह कार दुनिया की पहली BS4 स्टेज सेकेंड विद्युतीकरण फ्लेक्स फ्यूल वाहन है। इससे पहले 2022 में टोयोटा ने हाइड्रोजन से चलने वाली कार टोयोटा मिराई ईवी मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट प्रतिष्ठित मिस डिवाइन ब्यूटी पेजेंट के ग्रैंड फिनाले का आयोजन 26 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इसमें प्रियंस सेन ने डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 और प्रवीणा अंजना ने डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता। शोर बसदा क्या है? शोर बसदा एक G20 ऑर्केस्ट्रा समारोह है जिसे भारत की अध्यक्षता में वाराणसी में आयोजित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, शोर बसदा क्या है? G20 देशों के 101 संगीतकारों और गायकों तथा आमंत्रित अतिथियों से बने G20 ऑर्केस्ट्रा ने विविध संस्कृतियों और पारंपरिक संगीत वाद्ययंत्रों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण प्रदर्शित किया। भूटान और तिमोर लेस्ते रुबेला मुक्त घोषित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जुलाई माह में दो देशों भूटान और तिमोर लेस्ते को रुबेला मुक्त घोषित किया। रुबेला एक तीव्र संक्रामक बीमारी है जो कि रुबेला विषाणु द्वारा उन बच्चों में फैलती है जिनका टीकाकरण नहीं होता। लखनऊ में बना राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय, ये लखनऊ में बना है तो यूपी SSSC पेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस शहीद स्मारक 1957 से अब तक शहीद RPF जवानों के नाम अंकित हैं। वहीं संग्रहालय रेलवे सुरक्षा बल के इतिहास, उत्पत्ति, उपलब्धियों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों आदि को दर्शाता है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में हुआ शामिल, वर्ल्ड सिटीज कल्चर में बेंगलुरु शामिल हो गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना है। गौरतलब बेंगलुरु इस फोरम में शामिल होने वाला 14वां शहर है, 14 नंबर का शहर है, बस इतनी याद रख लो। इस हरियाणा क्रेश नीति लाने वाला है, देश का पहला राज्य बना। क्रेश नीति है क्या पहले तो ये समझो। 26 जुलाई 2023 को हरियाणा पहला एवं बाल विकास विभाग ने हरियाणा राज्य क्रेश नीति की अधिसूचना जारी की। इसी के साथ हरियाणा राज्य क्रेश नीति लाने वाला पहला राज्य बन गया है। इस नीति के तहत राज्य में 50 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों को क्रेच मतलब शिशु गृह खोलना अनिवार्य है। शिशु गृह क्रेच महीने में 26 दिन खुले रहेंगे और 6 साल तक के बच्चों को 8 से 10 घंटे तक रखा जा सकता है। 8 से 10 घंटे तक रखा जाता है, 6 माह से 6 साल तक याद रख लेना। चंबल नदी के तट पर बना दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट, राजस्थान के कोटा में चंबल नदी के तट पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बन गया है। इस रिवर फ्रंट के दोनों किनारों पर 26 घाटों का निर्माण किया गया जिन्हें अलग अलग थीम पर तैयार किया गया है। इन घाटों में से एक बीस धरोहर घाट पर दुनिया के विभिन्न देशों को नए प्रसिद्ध इमारतें और वास्तु। नई दिल्ली में भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा तो ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुनर्विकसित ITPO कम्प्लेक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन IECC पर सर भारत मंडपम का उद्घाटन हुआ। इस परियोजना की लागत 2700 करोड़ रुपए है। भारत मंडपम के बहुदोषी हाल की 7000 लोगों की है क्षमता, कितनी 7000 लोग। नवीन पटनायक बने देश के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु को पछाड़ कर देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए। गौरतलब कि अभी तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के मामले पर पहले स्थान पर सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग थे लेकिन अब बन गए हैं नवीन पटनायक उड़ीसा के CM। केरल में बनेगा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन केंद्र केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज में स्थापित किया जाएगा। यह इनक्यूबेशन सेंटर नवाचार के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा जो युवाओं को हमारी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र स्थितियों और मछुआरों के समझ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक तथा समाधान विकसित।
इटली में खुला वीसी स्वंत खड़गे सुडियाल मेमोरियल भारतीय सैनिक के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देते हुए पिरुगिया इटली में बीसी स्वंत खड़गे सुंडियाल मेमोरियल उद्घाटन हुआ। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक इकाइयों को सुरक्षा देने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की तर्ज पर राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन का फैसला लिया। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल में 3 बटालियन होगी जिनका मुख्यालय भिवाड़ी और चित्तौड़गढ़ और बलोतरा में होगा। CISF एक केंद्रीय सशस्त्र बल RISF है जिसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत गठित किया गया। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत। रूस ने ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर लगाया प्रतिबंध। ट्रांसजेंडर विवाह नहीं कर सकते हैं, लिंग भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर? रशिया में। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के संसद द्वारा पारित ऐसे कानून को अपनी मंजूरी दे दी है जो ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है। रूस सरकार द्वारा यह फैसला अपने पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करने के प्रयास के मद्देनजर लिया है। राजस्थान सरकार का गिग वर्कर्स विधेयक। राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण कल्याण विधेयक 2023 पेश किया गया। यह विधेयक देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक गिग प्लेटफॉर्म श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने का प्रयास करता है। जम्मू कश्मीर में शुरू हुई भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना। भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में देश की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना को CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन अनुसंधान केंद्र कनाडाई फार्म इंडस स्कैन के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी के रूप में किया है। कोच्चि केरल में बनेगा भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब। केरल के कोच्चि में देश का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब CIS स्थापित किया जाना। इस इनोवेशन हब किफ़ायती और टिकाऊ भवन सुविधाओं को बढ़ावा देगा ताकि हितधारकों के बीच सहयोग नवाचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा मिल सके। केरल स्टार्टअप मिशन इस कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब के समग्र कार्यक्रमों का प्रबंधन करेगा। नागदा बनेगा मध्य प्रदेश का 54 जिला। अभी तक कितने हैं? 53 जिला हैं। कहाँ पर? MP में, लेकिन अब 54 जिला हो जाएंगे। नागदा नया जिला बन रहा है, UP से सटा हुआ है, इसलिए UP पेट में आ सकता क्वेश्चन। 20 जुलाई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने नागदा मध्य प्रदेश को प्रदेश का नया जिला बनाने की घोषणा की। इस प्रकार उज्जैन से अलग होने के बाद नागदा प्रदेश का 54 नंबर का जिला बन जाएगा। इससे पहले प्रदेश के स्थित मऊगंज को राज्य का 53वां जिला बनाने की घोषणा की जा चुकी है। गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन। सूरत डायमंड बोर्स संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा मंत्रालय संयुक्त राज्य, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये गुजरात में बन रहा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा। पेंटागन को पीछे छोड़कर अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बन गया। सूरत डायमंड बोर्स, याद रखना सूरत डायमंड बोर्स भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और इसमें 4500 हीरा व्यापार से जुड़े कार्यालय हैं। हीरा व्यापार से जुड़े कार्यालय कितने हैं? 4500। 15 मंजिला, कितने मंजिला है? 15 मंजिला इमारत 35 एकड़ भूमि में फैली हुई है। गौरतलब कि सूरत को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है जहां दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। दुनिया के 90% हीरे कहां तराशे जाते हैं? सूरत में तराशे जाते हैं। भारत की पहले सैटेलाइट नेटवर्क पोर्ट साइट कौन सी है? वनवेव कंपनी भारत में 2 सैटेलाइट नेटवर्क पोर्ट साइट स्थापित कर रही है। इनमें से पहली साइट गुजरात के मेहसाणा जिले में और दूसरी साइट तमिलनाडु में स्थापित की जाएगी। वनवेव कंपनी की स्थापना किसने? ग्रेग वायलर द्वारा वर्ष 2012 में की गई और इसका मुख्यालय लंदन में है। वनवेव का मुख्यालय कहाँ लंदन में है? दिल्ली हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इस हवाई अड्डे में 4th रनवे के जुड़ने से सालाना लगभग 109 मिलियन यात्रियों को लाभ मिलेगा। 109 मिलियन, 1 मिलियन में 10। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बना UAE। संयुक्त अरब अमीरात
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रीजनल बॉडी मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह का पर्यवेक्षक देश बन गया है। यूएई अरब दुनिया का पहला अरब देश है जिसे इस समूह में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया प्रशांत समूह को वर्ष 1997 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश में खुलेगी देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी एमपी में खुलेगा। देश की पहली ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने की घोषणा हुई। इन्हें स्थापित किए जाने का फैसला आगामी ओलंपिक और एशियन गेम्स को ध्यान में रखकर लिया गया है। राज्य में ये अकादमी युवाओं को पारंपरिक खेलों के अलावा इन खेलों में भी अपना कौशल निखारने का मौका देगी। भारत की पहले एआई न्यूज एंकर लिसा। एआई न्यूज एंकर कौन सी? लिसा है, याद कर लेना भाई साहब। ये एआई से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर बने क्योंकि 10 नंबर की करंट अफेयर पेट्स में आनी है। उड़ीसा टीवी ने भारत की पहली क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाचार एंकर लिसा को लॉन्च किया है। एआई एंकर लिसा में उड़िया और अंग्रेजी सहित कई भाषाएं बोलने की अद्वितीय क्षमता है। इससे पहले मार्च 2023 की शुरुआत में इंडिया टुडे ग्रुप ने सना नामक स्वयं का एआई न्यूज एंकर पेश किया था। पेरू में फैला गुइलेन बर्रे सिंड्रोम। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम रोग के तेजी से फैलने की बात आई। इसके चलते पूरे देश में 9 जुलाई 2023 से 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी भी लागू की गई है। गुइलेन बर्रे सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और ऑटो इम्यून बीमारी है। इस बीमारी से पीड़ित मरीज का इम्यून सिस्टम बीमार सेल्स के बजाय इसकी स्वास्थ्य सेल्स कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर। फोर्स 2023 की सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी। फोर्स ने 2023 की सबसे अमीर महिलाओं की सूची जारी की है। फोर्स 2023 की 100 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की 4 महिलाओं ने अपना स्थान बनाया है। ये 4 महिलाएं हैं जयश्री उल्लाल, नीरजा सेट्टी, नेहा नरखेड़े और इंदिरा नुई। ये 4 महिलाएं हैं। इस सूची में डायने हेंड्रिक्स को पहला और जूडी लव एंड फैमिली को दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर डायने हेंड्रिक्स हैं। बास्तील दिवस परेड इस वर्ष फ्रांस की बास्तील दिवस परेड में कहाँ मनाई जाती? फ्रांस मनाई जाती। इतनी से क्वेश्चन आएगा, बास्तील दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाओं ने हिस्सा लिया था, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसीलिए पूछा जा सकता है। बस 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 3 जुलाई से 11 जुलाई 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन किया। इस वर्ष के ओलंपियाड में भारत के प्रत्येक छात्र द्वारा स्वर्ण पदक हासिल करने के चलते भारत इस ओलंपियाड की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। इस वर्ष के ओलंपियाड में 76 देशों के 293 छात्रों ने हिस्सा लिया। अविनाश ज्वालामुखी। पेरू के अविनाश ज्वालामुखी में विस्फोट के चलते 5 जुलाई 2023 को ज्वालामुखी के आसपास के क्षेत्रों में 90 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई। अविनाश पेरू का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और मोकेगुआ पेरू में स्थित है। इस क्षेत्र प्रशांत महासागर किनारे रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। रिस्टार्ट। भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ बना है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। भारत की पहली मेट्रो का उद्घाटन कोच्चि में। भारत की पहली वाटर मेट्रो। जल निकायों की पहली एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत बना दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश। भारत की पहली हरित विमान ईंधन फर्म का उत्पादन इकाई। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना केरल। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करेगा। हिमाचल प्रदेश तुर्की ने लॉन्च किया TCG अनादुलो। उत्तरामेरूर शिलालेख क्या है? तेलंगाना में बनी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा। और घाना ने ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन को दी मंजूरी। रामबन जम्मू कश्मीर में हुआ कुनफर पीरा सुरंग का उद्घाटन। तुलसी घाट रेस्टोरेंट प्रोजेक्ट। गरुड़ एरोस्पेस मेक इन इंडिया ड्रोन स्टार्टअप। गरुड़ एरोस्पेस जो चेन्नई तमिलनाडु का एक स्टार्टअप है, कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है। एमपी लैंड्स का फुल फॉर्म मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। फंड का सबसे अच्छा उपयोग गुजरात राज्य ने किया।
रैपिड एक्स भारत की पहली सेमी हाई स्पीड डिजिटल रेल सर्विस है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रबंधन निगम ने भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को रैपिड एक्स नाम दिया। यह ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम कॉरिडोर पर चलेगी, जिसे राजधानी क्षेत्र प्रमुख शहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा। भारत का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम RRTS दिल्ली को मेरठ से जोड़ेगा। इसका पहला स्टेज शुरू हो चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन 100% आने की उम्मीद है। आम आदमी पार्टी को मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा। एशियाई गिद्धों के लिए पहला संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बहरीन का गोल्डन लाइसेंस हुई एंड क्राई नोटिस क्या है? पंजाब सरकार ने भगोड़े खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ हुई एंड क्राई नोटिस जारी किया है। हुई एंड क्राई नोटिस तब जारी किया जाता है जब कोई संदिग्ध या अपराधी पुलिस द्वारा ना पकड़ा जाए। अर्थात अनेक कोशिशों के बाद पुलिस ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में विफल रही हो। दरअसल यह नोटिस सामुदायिक पुलिसिंग का एक विभाग है। डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने राज्य के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ किया। मुंबई में एप्पल स्टोर। एप्पल भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर महाराष्ट्र के मुंबई में स्थापित किया है। यह स्टोर जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में खुलेगा। जियो वर्ल्ड ड्राइव का मॉल है, वहाँ खुल रहा है, ये खुल चुका है। भारत बना इकोसॉक के तीन महत्वपूर्ण निकायों का सदस्य। भारत को इकोसॉक यानी संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक प्रदर्शन के तीन महत्वपूर्ण निकायों का सदस्य चुना गया है। फिनलैंड बना नाटो का 31 नंबर का देश। नाटो की स्थापना कब 1949 में हुई थी? यह एक सैन्य गठबंधन। फिनलैंड इस सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य बन गया है। इटली ने ChatGPT पर लगाया है प्रतिबंध। नवंबर 2022 में लॉन्च हुई ChatGPT जो कि एक उन्नत चैटबॉट है को इटली ने बैन कर दिया। ऐसा करने वाले इटली पहला पश्चिमी देश है। ChatGPT चीन ईरान रूस और उत्तर कोरिया में पहले से प्रतिबंधित है। ChatGPT का निर्माण OpenAI स्टार्टअप अमेरिकी स्टार्टअप ने किया है। अजरबैजान और तजिकिस्तान मलेरिया मुक्त घोषित हुए। जॉर्जिया ने हिंदू फोबिया के खिलाफ प्रस्ताव किया पारित। मारवर्ग वायरस बीमारी। भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन गंगा सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस वर्ल्ड ट्रीटी सिटी लिस्ट 2022। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाले देश का पहला राज्य राजस्थान। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्या है? इसका लक्ष्य 15 और उससे अधिक आयु वर्ग के 5 करोड़ विद्यार्थियों को निरक्षरों को शिक्षित करना है। फारस की खाड़ी में प्राचीन मोती शहर की शुरुआत शहर की खोज हुई है। भगवान बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु कैंपेगोड़ा जी की मूर्तियां का अनावरण। मिस्र बना विश्व बैंक का नया सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का क्षेत्रीय कार्यालय। मनरेगा मजदूरी दरों में संशोधन और RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण के मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के नकलों में 31वीं अखिल भारतीय पुलिस चैंपियनशिप हुआ है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित हुआ। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट पर शिपिंग विक्रम संवत 2080। राष्ट्रपति निलयम कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 मार्च 2023 को तेलंगाना के सिकंदराबाद के बोलारम में राष्ट्रपति निलयम जनता के लिए खोल दिया है। पहली बार है कि इस हेरिटेज बिल्डिंग्स को आम जनता के लिए खोला जा रहा है। राजस्थान का अधिवक्ता संरक्षण कानून। राजस्थान वकीलों की सुरक्षा के लिए कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। विश्व के महानतम स्थानों की सूची में दो भारतीय स्थल हैं। कौन कौन से हैं? ये एक मयूरभंज और लद्दाख शामिल। 50 स्थानों वाली सूची में दो भारतीय स्थान एक मयूरभंज और लद्दाख शामिल हैं। इस सूची में लद्दाख को 31वां और मयूरभंज उड़ीसा में मयूरभंज 32वें नंबर पर शामिल हैं। पीएम मित्रा मेगा
टेक्सटाइल पार्क, वीमेन एंड मेन इंडिया 2022, पशु पालन संख्यांकी 2022। इतनी ये पिछले 6 महीनों के क्वेश्चन हो चुके हैं, अब यहीं से आने। राष्ट्रीय पदाधिकारी 30 सितंबर 2023 तक, अद्यतन आंकड़ों 30 सितंबर तक के हैं, ये देख लेना। भारत के प्रमुख शीर्ष पदाधिकारी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कितने नंबर के हैं, 15 नंबर के हैं। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ क्रम कितना है, 14 नंबर, ये पूछा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी क्रम कितना है, 14। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का क्रम सेम है। भारत के प्रमुख न्याय पदाधिकारी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय एसवन चंद्रचूड़ क्रम 50 नंबर पे हैं। भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी क्रम 16 नंबर के हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं। भारतीय संसद के मुख्य पदाधिकारी लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला क्रम 17 नंबर के हैं। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह हैं। राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरबंश नारायण सिंह, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी। भारतीय निर्वाचन चुनाव आयोग के मुख्य पदाधिकारी, भारत के मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। क्रम कितना, 25 नंबर का है, 25 नंबर। भारत के निर्वाचन चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे तथा अरुण गोयल। भारत के कायक तथा सीजीए पदाधिकारी कौन से हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। क्रम कितना, 14 नंबर का है। भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है, एसएस दुबे, क्रम 28वां है। भारतीय सेनाओं के मुख्य पदाधिकारी कौन से हैं, हम उन भारतीय सेनाओं के मुख्य पदाधिकारी भारत के चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ अनिल चौहान है। अनिल चौहान चीफ कौन है, चीफ डिफेंस अनिल चौहान है, क्रम 2रा है। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन, थल सेना का अध्यक्ष मनोज पांडे जी हैं। भारतीय नौसेना का अध्यक्ष कौन, आर हरि कुमार जी हैं। भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष कौन, विवेक राम चौधरी जी हैं। नौसेना का अध्यक्ष आर हरि कुमार हैं और थल सेना का अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। केवल मनोज पांडे हैं थल सेना के अध्यक्ष। भारत सरकार के प्रमुख सलाहकार तथा सचिव, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सबको याद होगा अजीत कुमार डोभाल जी। भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह हैं। भारत के प्रमुख आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद हैं। भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी हैं। भारत के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला हैं। भारत के विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा हैं और भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमने हैं। भारत के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन हैं। भारत की संसदीय समितियों के प्रमुख पदाधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार गंगवार और लोक सेवा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। लोक सेवा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। भारत के मुख्य आयोग तथा उनके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के बेरी, याद रख लेना। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बीवीआर सुब्रमण्यम। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंदकिशोर सिंह। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष मनोज सोनी जी हैं, पुराने ही हैं मनोज। कर्मचारी चयन आयोग SSC के एस किशोर हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC के अध्यक्ष श्री हंसराज गंगाराम अहिर हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCST के अध्यक्ष श्री हर्ष चौहान हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग NCM के अध्यक्ष श्री इकबाल सिंह लाल। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा है, 9वां क्रम है। राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष NHRC के अध्यक्ष कौन है, श्री अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT के अध्यक्ष श्री प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। भारतीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख पदाधिकारी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा मनोज यादव और तटरक्षक बल के राकेश पाल और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल। इतने इंपॉर्टेंट हैं फिर भी देख लेते। सशस्त्र सीमा बल रश्मि शुक्ला, भारत तिब्बत सीमा अनीश दयाल। भारत के प्रमुख जांच संगठनों, गुप्तचर संस्थानों के मुख्य पदाधिकारी, केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो प्रवीण सूद जी आ सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण जांच ब्यूरो के विशेष अजय कुमार भटनागर जी हैं। रॉ के राज में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है तो इसलिए इस न्यूज़ में है तो रवि सिन्हा जी आ सकते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के चीफ, ये भी पाकिस्तान में बहुत न्यूज़ में है, तपन कुमार डेका तो आ सकते हैं। के
भारत के मुख्य सूचना आयुक्त एस वर्धन सिंह सिन्हा हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान है, राष्ट्रीय अन्वेषण जांच एजेंसी के महानिदेशक दिनकर गुप्ता है, प्रवर्तन निदेशालय के अंतरिम निदेशक हैं राहुल नवीन जी हैं। याद कर प्रमुख भारतीय प्राधिकरण बोर्ड सार्वजनिक उपक्रम आयोग के मुख्य पदाधिकारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के अध्यक्ष श्रीमती रवनीत कौर हैं, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष माधवी पुरी बुच हैं। ये वाला पूछा गया केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, नितिन गुप्ता जी हैं, नितिन गुप्ता जी हैं। पूछा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अमित अग्रवाल हैं, संबंधित देख लो। भारतीय खेल संगठन धवन के प्रमुख पदाधिकारी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है, PT उषा जी हैं, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक हैं, और भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है, हेमंता बिस्वा शर्मा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कल्याण चौबे जी हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पूछा जा सकता है दिलीप टर्की जी हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सीनियर पुरुष अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी साहब हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के आचरण अधिकारी तथा लोकपाल कौन विनीत, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच ये आ सकता है राहुल द्रविड़ जी हैं, ये आ सकते हैं क्योंकि भारतीय प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान तथा संगठन के प्रमुख पदाधिकारी रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर बी कामत हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष SP सोमनाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही चर्चा में है इस समय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर NKSLV, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं विवेक भसीन, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजित कुमार मोहंती हैं। ये देख लेता हूँ प्रमुख भारतीय मीडिया प्रेस तथा एवं पदाधिकारी भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन, R माधवन हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक मनीष देसाई है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये आ चुका है, KN शांता कुमार पूछे जा सकते हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष परेश रावल जी हैं, आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभाग की प्रधान महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता जी हैं। अब प्रमुख भारतीय बैंक और वित्तीय संस्थान वाणिज्यिक संस्थान बीमा संस्थान एवं मुख्य पदाधिकारी को देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें चर्चा में हमेशा बने रहे शक्तिकांत दास जी हैं, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन दिनेश कुमार खारा जी हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष श्री साजी के भी हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष सुभाष सुब्रमण्यम रमण हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष R दिनेश हैं, फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक, इफको के अध्यक्ष दिलीप संग्राड़ी, फिक्की के अध्यक्ष सुब्राकांत पांडा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार है, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष पांडा, भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी 30 सितंबर 2000 तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 30 सितंबर 2000 तक 23 तक का है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्थान पदाधिकारी महासचिव महानिदेशक अध्यक्ष पदाधिकारी संबंधित देश संयुक्त राष्ट्र संघ के महानिदेशक कौन, एंटोनियो गुटेरेस, याद कर लेना पुर्तगाल के हैं ये, इसमें बहुत चर्चा में इसलिए याद कर लेना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अचम स्टेन ब्राज़ील के हैं।